चार देखिए कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के खंडों का प्रयोग करके इसका सारणिक मान निकला है। तीसरे स्तंभ यहाँ पे दिया है सारणिक डेल्टा बराबर दिया है 1xyz 1yzx 1zxy। हमें तीसरे स्तंभ यानी इसको लेके चलिए निकालते हैं तीसरा स्तंभ। अच्छा इसका चिन्ह पहले लिख लेते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तीसरा स्तंभ यही होगा। तो इनका सबका आपको फैक्टर निकालते हैं ठीक है। चलिए तो A11 इसके लिए यह रहा यह गया प्लस में होता है ना जी ये। चलिए 1y1z यही ना आएगा, यह हटाएंगे तो यही ना आपका चारों बचेगा। चलिए तो यहां से आ जाएगा जेड माइनस वाई ए सॉरी ए 11 थोड़े है यार, ये तो ए 13 ना है, ए 13 है, मैंने गलती से लिख दिया ये 13। चलिए ए 13 के बाद है 23 ये ना है तो यह माइनस में होता है। चलिए इसके सामने वाला रो और कॉलम हटाओगे तो आपका बचेगा 1x1z ठीक है। चलिए तो आपका क्या आ जाएगा यहां से माइनस का जेड माइनस एक्स, माइनस का जेड माइनस एक्स ठीक है। इस तरह से हो जाएगा A33 तीसरे स्तंभ का अगला एलिमेंट यह रहा यह कॉलम गया आपका 1x1y यानी कि यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स ठीक है, तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा। अच्छा इसका सारणिक मान निकालना है ना जी। चलिए देखते हैं तीसरे स्तंभ को लेकर, तो तीसरे स्तंभ का अवयव और गुणा में उसका सहखंड प्लस अवयव और फिर सहखंड प्लस अवयव और फिर सहखंड। अवयव है यह वाई जेड और इंटू में इसका मान जेड माइनस वाई। अवयव है यह आपका कहाँ गया ये रहा जेड एक्स, तो यहाँ माइनस है तो एक बार करते हैं माइनस प्लस माइनस यही कर देते हैं जेड एक्स और इसको लिख देते हैं जेड माइनस एक्स। समझ में आया ना यह क्या किया है, इसका वैल्यू माइनस में है इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया प्लस A33 xy और इसका यहाँ पर सहखंड दिया है वाई माइनस एक्स। चलिए अब सॉल्व करते हैं। चलिए एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन करो, माइनस कॉमन करोगे तो ये वाई जेड और यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस जेड ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं इंटू करता हूँ माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और प्लस का जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई। चलिए इसको वैसे ही छोड़ो थोड़ा इसको अपसेट करना होगा। इसमें एक काम करता हूँ मैं इसके साथ ना, इसके साथ मैं इसको ले लेता हूँ एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का जेड स्क्वायर एक्स और इसको इसके साथ ले लेता हूँ ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई इसको पहले और फिर प्लस में जेड एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। चलिए ऐसा ये कर रहा हूँ क्योंकि हर एक में वाई माइनस जेड आ जाए, माइनस का वाई जेड यहाँ पे वाई माइनस जेड यहाँ पे देखो कॉमन होगा आपका कितना एक्स, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कॉमन होगा एक्स स्क्वायर तो वाई माइनस जेड आ जाएगा ठीक है। माइनस का वाई जेड वाई माइनस जेड प्लस एक्स इसको वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिख सकता हूँ और माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड तीनों जगह वाई माइनस जेड आ गया कॉमन कर लेते हैं वाई माइनस जेड को ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का वाई जेड और यहाँ प्लस एक्स वाई प्लस जेड बचेगा है ना बचेगा और माइनस का यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। चलिए माइनस का वाई जेड अंदर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, माइनस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई ठीक है प्लस का एक्स वाई प्लस का यहाँ जेड एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर। अब अंदर यहाँ पर सेट करते हैं इसको। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वाई माइनस जेड, अब देखो इन दोनों को यहाँ से कॉमन करते हैं या पहले लिख लेते हैं जेड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इन दोनों को लिखते हैं ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों को लिखते हैं माइनस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई। चलिए देखो अगले स्टेप में वाई जेड वाई माइनस जेड यहाँ पे देखो क्या यहाँ से कॉमन है एक्स तो यहाँ पे बचेगा जेड माइनस एक्स, यहाँ पे क्या कॉमन है तो यहाँ कॉमन हो सकता है वाई तो यहाँ भी जेड माइनस एक्स
देखो ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, बाहर निकल जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ वाई माइनस जेड कॉमन हो गया, यहाँ जेड माइनस एक्स, तो यहाँ बच जाएगा एक्स और यहाँ बच जाएगा वाई, यानी किसी को सेपरेट सही से सजा कर लिए, दो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और इंटू में जेड माइनस एक्स, इसका आंसर आ गया। समझ गए क्वेश्चन नंबर 5।